9.2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमने देखा कि धातुओं के भौतिक गुणों में काफ़ी समानताएं तथा कुछ भिन्नताएं हैं। क्या आपको लगता है धातुओं के रासायनिक गुणों में भी ऐसा ही होगा? धातुओं की क्रियाशीलता के विषय में और अधिक जानकारी हमें तब प्राप्त होती है जब हम उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कितने समय पूर्व से मनुष्य द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है और उनकी उपलब्धता कितनी है। धातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर के कारण इन्हें शुद्ध रूप में प्राप्त किए जाने वाले समय में अंतर दिखाई देता है। सारणी एक, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर तांबे का विस्थापन होता है, जबकि जिंक सल्फेट के विलयन में तांबे की छेलन डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती? आइए इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ और विस्थापन अभिक्रियाओं का अवलोकन करते हैं। क्रियाकलाप दो, शिक्षकों के लिए निर्देश। अलग अलग बीकर में क्रमशः 2-2 ग्राम कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड लेकर 100-100 ml जल में विलयन मिलाइए। यह क्रियाकलाप समूहों में कराएं। प्रत्येक समूह 6 परख नलियां लेकर इन्हें क्रमशः अ ब स द ई फ नामांकित करें। परख नली अ तथा ब में 5-5 ml कॉपर सल्फेट विलयन, परख नली स तथा द में 5-5 ml जिंक सल्फेट विलयन तथा परख नली ई में 5 ml आयरन सल्फेट और फॉर्म में 5 ml सोडियम क्लोराइड विलयन लीजिए। परख नली अ में 2-3 लोहे की कीलें या आल्पिन, परख नली ब में दानेदार जिंक, परख नली स में तांबे की छीलन, परख नली द में मैग्नीशियम के फीते का एक टुकड़ा, परख नली ई तथा फॉर्म में दानेदार जिंक डालिए। चित्र एक, 5-10 मिनट बाद सभी परख नलियों का अवलोकन कीजिए। क्या विलयन या धातु के रंग रूप में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या कोई अवक्षेप बन रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी धातु किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर रही है? आपने देखा कि परख नली अ में आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को, ब में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को, द में मैग्नीशियम जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को तथा ई में जिंक आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित करता है, जबकि परख नली स में तांबा जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को और फॉर्म में जिंक सोडियम क्लोराइड विलयन से सोडियम को विस्थापित नहीं करता।